चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेवनटीन गवर्नमेंट बजट देखिए सरकारी बजट ठीक है इसका मतलब होता है कि जैसे हर कोई इंसान अपने फैमिली एक बजट तय करता है है ना कि कितने खर्चे बेसिकली वो करेगा और कहां कहां से उनको सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको वो जब कंपाइल करेगा ठीक देखेगा कि कितने उनके बेसिकली इनकम के सोर्सेस है और उस पैसे को वो उस हिसाब से बेसिकली स्पेंड करेगा तो वही हमारा बजट होता है हर किसी का एक फैमिली का बजट होता है उसी तरह से पूरे देश का भी क्या होता है एक बजट होता है अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है आप समझना कि हाँ एक जहाँ से पैसा आ रहा है जहाँ से जहाँ से पैसा उसके सोर्सेस इकट्ठे कर लो और जहाँ स्पेंड कर रहा है उसके जगह पे वो लिख दो ठीक है हाँ टेक्निकली वही है लेकिन क्या है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग बिकॉज सिंस इट इज़ गवर्नमेंट दूसरी बात है ये पूरी कंट्री का है ओके इट इज़ टैक्स पेयर्स मनी इट इज़ नॉट गवर्नमेंट मनी है ना सरकार कोई भी जब खर्चा करती है तो यू कई लोग क्या होते हैं सरकार की तारीफ करते हैं हाँ होनी भी चाहिए एक पॉइंट पे ठीक है लेकिन अल्टीमेटली दैट इज़ मनी इज़ हुट इज़ योर्स ओनली आपका ही पैसा होता है वो ठीक है तो उसी से बेसिकली सरकार बजट बनाती है और आप लोगों पे आपसे ही पैसा लेके आप पे ही स्पेंड करती है बेस मेन कंसेप्ट तो यही है ठीक है अब एक्चुअली में जो गवर्नमेंट बजट है ठीक है उसको बोला जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफिशियली इसका नाम यह है ठीक है अगर ऑफिशियली आप देखेंगे तो बजट आप बोला जरूर जाता है आम भाषा में लेकिन आपको जो टेक्निकल वर्ड है जो ऑफिशियल वर्ड है वो आपको मिलेगा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो कई बार भी जब कई बार भी जब फाइनेंस मिनिस्टर को आपने ए, बजट पेश करते हुए देखा होगा और आपको बता दूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही जो बजट है वो पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं बेसिकली ठीक है तो वो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं अपनी आम भाषा में बजट जरूर बोलते हैं को, लेकिन जब ऑफिशियली रीड करते हैं तो यू विल फाइंड द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको पता होना चाहिए और बहुत लोग ये समझते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला है ठीक है मतलब जो जो आप उन्होंने अपने जो प्रपोजल्स रखे हैं रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ इनकम एंड द हाउ टू स्पेंड दैट बेसिकली दैट इनकम कि कहाँ से इनकम आनी है बेसिकली उसे स्पेंड कैसे करना है ना जो प्रपोजल्स देते हैं सरकार कई लोग सोचते हैं कि वो अल्टीमेट फाइनल वही होते हैं ऐसा नहीं होता उसके बाद में एक बजट सेशन होता है ठीक है उसमें जो अपोजिशन बोलेगी नहीं भैया ये सही नहीं है यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करिए यहाँ पे आप कम कर रहे हैं एजुकेशन पे जो कम कर रहे हैं ठीक है हेल्थ पे आप कम कर रहे हैं इसको यहाँ पे लगाइए उसको फालतू पैसा वहाँ मत लगाइए मूर्ति पे मत पैसा लगाइए ठीक है तो ऑल दोज थिंग्स आर डिबेटेबल इशूज़ है ना वो सब डिबेट होती है और कहीं ना कहीं जो है एक तरह का आप कह सकते हो जो रूलिंग गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स उनके भी कंसिडर करने पड़ते हैं दो इफ दे आर इन द एब्सुलूट मेजोरिटी तो वो उनके लिए इतना एक तरह का कह सकते हो कि कंपलसरी नहीं हो जाता फिर भी बीइंग यू कैन से बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ओपोजिशन भी एक रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों की तो दे मे कंसीडर दैट फॉलोइंग पॉइंट्स तो व्हाट आई वांट टू टेल दैट चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप यू गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ठीक है चलिए तो मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट सबसे पहले टू मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है कि भैया गवर्नमेंट बजट होता क्या है तो डेफिनेशन आप देख लेते हैं ठीक है हम यहां से रीड करेंगे डायरेक्टली विजेस इंपॉर्टेंट क्रीम क्रीम पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप दो मार्क्स के लिए क्या करेंगे ये याद कर लेंगे द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ओके इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड द प्रपोज एक्सपेंडिचर्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है वो क्या होते हैं पूरे देश के एस्टिमेटेड रिसीट्स होते हैं ठीक है आप एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि कितना आपको बेसिकली पैसा आएगा या आपके पास आने वाला है दूसरा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताती है इस सरकार कि भैया मान लो कि पाँच लाख करोड़ सरकार को आ रहे हैं और मान लिए सरकार ने स्पेंड कर दिए पाँच लाख करोड़ मतलब अलग अलग जगह पे इतने इतने हेल्थ एजुकेशन डिफेंस वॉट एवर में भी ठीक है तो वो सरकार क्या करती है एस्टिमेटेड अपने क्या करती है एक्सपेंडिचर बताती है फाइन या प्रपोज एक्सपेंडिचर बताती है और क्या करती है अंडर दिस डिसबर्समेंट होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है गवर्नमेंट के फंड्स ओके अंडर द वेरियस फाइनेंशियल एंड अंडर द वेरियस हेड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर देखिए फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट बजट होता है जैसे हम फैमिली का बजट अपना एक महीने का सेट करते हैं यूजुअली ठीक है कई लोग वीकली भी करते होंगे जो आमतौर पे वन मंथ का सेट होता है ऐसी जो गवर्नमेंट बजट है वो वन ईयर का सेट करती है अब वन ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपका एक अप्रैल से स्टार्ट होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है अगले साल की ठीक है तो ये जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर वो द सेम थिंग एक ही बात है जो अडॉप्ट करती है सरकार अपना बजट एक तय करने के लिए या बजट अपना बताने के लिए बेसिकली ये टाइम पीरियड जो बजट है वो एग्जीक्यूट किया जाता है फाइन इंडिया में चलिए आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ठीक है ओके सो वाइज द बजट गिव्स द एस्टिमेट्स फॉर कमिंग कमिंग ईयर मतलब आपने जब एक अप्रैल 2020 को का बजट पेश कर दिया तो वो क्या बताएगा आपके एक अप्रैल से लेके 31 मार्च आपके अगले साल 2021 में जितने भी बेसिकली सरकार के खर्चे हैं और सरकार को इनकम होने वाली है वो सब का जो है एक तरह का एस्टिमेट होता है ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस चलिए फाइन वेन द बजट गिवस द एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इट ऑल्सो गिवस द एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर और साथ साथ क्या करते हैं ये जो पिछले ईयर का मान लीजिए इन्होंने दो हजार बीस इक्कीस का क्या है वो बजट पेश कर रहे हैं तो इससे जो पिछला बजट था आपका जो 19-20 का बजट था ठीक है 19-20 का बजट था उसका भी जो इस बजट के अंदर सरकार बताएगी कि जो एक्चुअली में कितना उन्होंने स्पेंड किया था ठीक है क्या 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 इनके जो अचीवमेंट्स रही हैं क्या क्या इनमें जो प्रॉब्लम्स रही हैं कहाँ फंड्स एलोकेट बेसिकली हो पाया कहाँ नहीं हो पाया कहाँ कमी पड़ गई कहाँ उनको बच गया तो ऑल दोज थिंग्स वो पिछला भी थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं अपने जो पर्टिकुलर जो कमिंग ईयर का बजट होता है ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अब भैया एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अब आप बोलोगे सर ये जो पावर है सरकार को कहां से मिलती है है ना ये जो बजट बजट बनाने बनाने की बनाने की गवर्नमेंट पावर कहां से मिलती है ये हमें देता है संविधान ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन तो अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड द प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी फिनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर एंड हैज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट तो हमारा संविधान साफ साफ ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा आपको सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर साल का हर साल यहाँ कहने का मतलब है जो ईयर हम फॉलो करते हैं ठीक है वो हर साल का गवर्नमेंट बनाएगी और उसे पार्लियामेंट में पेश करेगी उसके बाद उसका बजट सेशन कराएगी उसके बाद में वो जब पार्लियामेंट से पेश होगा तब ही सरकार को पैसा लेने की अनुमति होगी अब मेरी बात एक मान लीजिए कि एक अप्रैल आ गया ठीक है एक अप्रैल 2020 चल आ गया और मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रीजन से फेल हो गई तो एक अप्रैल को फेल हो गई मतलब बजट पास नहीं कर पाई तो क्या एक अप्रैल 2020 को वो एक पैसा भी सरकारी खजाने से निकाल सकते हैं बिल्कुल नहीं निकाल सकते लेकिन कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है क्योंकि अगर सरकार है तो ऑब्वियसली बात है उनकी मेजोरिटी होगी उनके एम होंगे तो वो पास कर ही देते हैं ठीक है तभी आपका जो एक फरवरी ठीक है एक फरवरी या फेबरी फर्स्ट वीक को आपका बजट आ जाता है आमतौर से और उसके बाद अप टू मार्च थर्टी फर्स्ट के बाद जो बजट सेशन है थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले पहले जो है पास कर दिया जाता है ताकि जो एक अप्रैल को गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ जाए कि वो जो है सरकारी पैसा यूज़ कर पाए ठीक है और वो यूज़ कर कर सकती है एक साल के लिए ही यूज़ कर सकती है क्लियर हुई मेरी बात चलिए ठीक है तो जैसे कि बताएं द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन द सच एज सच सच डे दैट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया में मे डायरेक्ट ओके वहाँ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का भी रोल होता है हाउवर बाई कन्वेंशन द बजट इज प्रेजेंटेड बाई द लास्ट वर्किंग ऑफ द फेरवरी पहले क्या होता था ये फेरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे होता था है ना यह लास्ट वीक ऑफ फेब होता था लेकिन अब इसे 2017 से चेंज कर दिया गया है अब जैसे जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी अंडर दरुण वेन द अरुण जेटली जी वो उसका फाइनेंस मिनिस्टर तब से क्या हुआ इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ फैब को क्या किया है बेसिकली निर्धारित कर दिया है अपना बजट पेश करने के लिए पहले क्या होता था लास्ट वीक ऑफ एफ या लास्ट डेज ऑफ में पेश किया जाता था अब फर्स्ट वीक ऑफ एम में पेश किया जाता था ताकि जो उस पर डिस्कशन ज्यादा हो सके ठीक है चलिए और इसकी जो एक कॉपी है वो राज्यसभा के पास भी होती है ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस अब जो बजट भी अलग अलग तरह के होते हैं जो पहला है यूनियन बजट देखिए यूनियन से पता लग रहा है पूरे देश का तो ये पूरी कंट्री का बजट सो द बजट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट तो बेसिकली जो यूनियन बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ठीक है तो यूनियन बजट इस बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एस अ होल ठीक है अब 2016 से पहले पता क्या होता था 2016 से पहले आपके दो बजट आते थे एक तो यूनियन बजट अलग आता था एक रेलवे बजट अलग आता था क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है तो रेलवे का अलग बजट पे, पेश किया जाता था लेकिन उसके बाद क्या किया कि गवर्नमेंट ने दोनों को मर्ज कर दिया अब एक ही बजट आता है दो आफ्टर द टू थाउजेंड ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है सो अटिल द टू थाउजेंड सिक्सटीन द बजट वॉज प्रजेंटेड इन द टू पार्ट्स नेमली द रेलवे बजट एंड देंट एंड द जर्नल बजट बेसिकली ठीक है अब ज पहले सॉरी एक जर्नल बजट होता था एक रेलवे बजट होता था लेकिन इन दोनों को मर्ज करके अब क्या, क्या क्या है यूनियन बजट बना दिया गया ठीक है सो रेलवे बजट आपको मैंने ऑलरेडी बताया था तो रेलवे बजट क्या करता था आपके जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड प्रपोस्ड एक्सपेंडिचर आप जो रेलवे मिनिस्ट्री का दिखाता था ठीक है और जनरल बजट क्या करता था बाकी सब चीज़ें ठीक है बाकी जो बेसिकली आपका डिफेंस आ गया इसमें एजुकेशन आ गया बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं अदर देन रेलवे वो सारे हमारे जनरल बजट में आ जाते थे ठीक है लेकिन फिर क्या हुआ दो हजार सत्रह बजट में इसे मर्ज कर दिया जनरल बजट में और इसे क्या बोला गया यूनियन बजट देखिए पे पिक्चर भी देख सकते हैं यूनियन बजट 2018-19 अब आ जाइए नेक्स्ट है स्टेट बजट अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बनाती है स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए उत्तराखंड है अब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता तो मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका बता रहा हूं तो उत्तराखंड में है क्या होगा वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है ठीक है वो अपनी स्टेट का ऐसी बजट बनाएगी सो इन इंडिया वी हैव द फेडरल सिस्टम फेडरल सिस्टम का मतलब होता है देखिए फेडरल सिस्टम बता दू पॉलिटिकल साइंस का वो है थोड़ा सा लेकिन पता होना चाहिए मतलब जिसमें आपकी ए, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन होती है बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक स्टेट गवर्नमेंट होती है एक लोकल गवर्नमेंट होती है तो ऐसे आपकी सरकार बेसिकली देश में चलती है उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम ठीक है अब होता क्या है ऐसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया ऐसी अब स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाएगी अपना हाँ ना सेंट्र अब जैसी स्टेट को भी तो अपना खर्चे देखने हैं कहाँ से पैसा सरकार अब स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज यहाँ से इनकम आती है और सरकार को भी खर्च करने पड़ते हैं ऐसे तो वो भी अपना अपना बजट बनाते हैं तो सेम वे जैसे आपका वो है सिमिलरली जो ऐसे ही फिर लोकल गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गए ठीक है म्यूनसिपल बोर्ड्स हो गए तो वो भी अपना क्या करते हैं बजट बनाते हैं तो बेसिकली आपका जो बजट है वो तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों में बनाया जाता है अब आईडी सेवनटीन पॉइंट फोर कॉन्पुनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट अब यह स्ट्रक्चर अब तीसरा आ गया आ सकता है ये भी सिक्स मार्क्स के लिए आप आ, आ सकता है वन कि एक्सप्लेन द कॉन्पनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ़ द गवर्नमेंट बजट तो बेसिकली आपको क्या एक्सप्लेन करना है मैं बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना गवर्नमेंट का बजट होता है वो दो चीज़ में डिवाइड किया जाता है ठीक है एक तो रेवेन्यू बजट एक होता है आपका कैपिटल बजट मेरी बात ध्यान समझना कि मे मेनली जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक रेवेन्यू बजट और एक आपका कैपिटल बजट तो सबसे पहले आपका रेवेन्यू बजट ये आपका टू मार्क्स के लिए बहुत पूछते हैं ठीक है तो डेफिनेशन क्या होती है रेवेन्यू बजट शोज द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम द रेवेन्यू रिसिप्ट देखिए होता क्या है मान लीजिए जो डे टू डे सरकार के खर्चे होते हैं ना डे टू डे खर्चे कौन से हो गए है ना डे टू डे खर्चे हो गए मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है कोई डिपार्टमेंट उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं जो पेट्रोल का खर्चा हो गया जो एम्प्लॉज वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें हर मंथ में सैलरी पे करनी पड़ती है है हाँ ना तो ये सरकार के डे टू डे एक्सपेंसेज होते हैं ठीक है तो जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेज होते हैं सरकार उसमें किस किस में उसमें उसमें किसको कैटेगराइज कर देती है उसको रेवेन्यू बजट के अंडर कैटेगराइज कर देती है है हाँ ना इसमें बेसिकली क्या होता है ना ही बेसिकली सरकार के कोई एसेट्स बेचे जाते हैं इसमें और ना ही सरकार पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ ठीक है मान लीजिए आपको कुछ इस समय कुछ चीज़ खानी है है ना मान लीजिए कोई चीज़ आपको आपको कुरकुरे खाने लेट सपोज़ कुरकुरे खाने हैं तो आप क्या करेंगे आप अपनी जो सैलरी में से उसमें खरीद के खा लेंगे है ना ऐसा थोड़ी कि आप उसके लिए अपनी कार बेच दे रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा ना तो कार बेसिकली आपका क्या है आपकी एक तरह का एसेट्स है वो बिका क्या नहीं बिका बस ये डे टू डे एक्सपेंसेस है भाई जो कुछ खाना पीना डे डे टू डे का जितना भी राशन है वो मेरे किससे मैट हो रहा है मेरी इनकम से मैट हो रहा है तो ऐसे ही सरकार के जो एस्टिमेटेड कुछ जो रिसिप्ट होते हैं मतलब सरकार को जो सोर्सेस होते हैं सरकार क्या करती है उसे डे टू डे जो सरकार की इनकम है उसको क्या करती है डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च करती रहती है तो दैट ऑल कम्स अंडर द गवर्नमेंट बजट मैं फिर से बता रहा हूँ जो सरकार की डे टू डे जो इनकम है डे टू डे सरकार की इनकम है अब डे टू डे इनकम कौन सी हो गई मान लीजिए सरकार को जो प्रॉफिट्स हो रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है सरकार फाइन लगा रही है जितने चलान करते हैं ये सर डे टू डे इनकम है सरकार की ऐसी सरकार के डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो पेट्रोल लगता है जो सैलरी देनी होती है ना तो वो सारे भी सरकार क्या करती है बेसिकली इसी इनकम से वो क्या करती है एक्सपेंड कर देती है या स्पेंड कर देती है तो ये सारी चीज़ें टू डे टू डे चीज़ें होती हैं वो हमारी रेवेन्यू बजट में आती हैं तो बेसिकली जो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसमें कोई भी सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है बस पैसा आया सरकार ने दे दिया और इसमें कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता या सेल नहीं होता ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा आप ओके अब भैया इसमें देखो रेवेन्यू अब रिसीट, अब रेवेन्यू रिसीड्स अब देखो रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार को जो रेवेन्यू बजट है है ना डे टू डे आप कह सकते हो तो खर्चे जो डे टू डे आपकी इनकम है वो कहाँ से आती है वो आती है आपकी टैक्सेस से एक्साइज टैक्स इनकम टैक्स और नॉन टैक्स जैसे आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया सरकार ने कहीं पैसा लगाया था उससे इंटरेस्ट मिल रहा है है ना सरकार ने किसी के शेयर्स खरीदे थे डिविडेंड मिलेगा सरकार को प्रॉफिट कमाएगी सरकार की कुछ कंपनी चल रही है तो वो सारी डे टू डे आपकी क्या है रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं और सरकार के डे टू डे फिर रेवेन्यू जो पेमेंट्स वो क्या हो गई सरकार की जो डे टू डे पेमेंट्स हो गई सैलरी पे करना है ना जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उनके जो जितने भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्या हुई डे टू डे आपकी क्या हुई बेसिकली पेमेंट्स हो गई ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर सो तो जो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर है ना जितना पुलिस पे आर्मी वो सब पे खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडी वो सब चीज़ें ठीक है अब नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजट मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो गवर्नमेंट बजट के दो ओवरऑल स्ट्रक्चर हैं एक तो आपका रेवेन्यू बजट और आपका एक कैपिटल बजट अब रेवेन्यू बजट में डे टू डे एक्सपेंसेस और इनकम आ गई सरकार की है ना सरकार ने क्या किया जो डे टू डे इनकम हो रही थी तो उसे डे टू डे एक्सपेंस दे दिए कैपिटल बजट क्या होता है ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ठीक है इसमें मतलब कहने का मतलब लंबा कहने का मतलब है कि आपका जो खर्चा है वो बड़ा हाई होता है और इसमें क्या होता है सरकार को बेसिकली जो आप क्या कह सकते हो कि यू कैन से जो सरकार के जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ता है अब ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिस पे सरकार के मान लीजिए सरकार ने कोई अपना एसेट्स बेच दिया कोई कंपनी बेच दी तो हमारी क्या होंगे एसेट्स में से कम हो जाएगा तो वो क्या हुआ हमारा तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिए सरकार ने कोई कंपनी बेच दी तो हमारी सरकार को अपनी बैलेंस शीट से हटानी पड़ेगी एसेट से तो वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसिट्स अब मान लीजिए सरकार ने क्या किया किसी को लोन दे दिया किसी दूसरे देश को तो वो हमें सरकार को वापस मिलेगा फ्यूचर में तो सरकार उसे क्या करेगी अपने जो ऐसा लोन ए, लोन गिवन उसे लाइबिलिटी में शो कर देगी है ना या सरकार ने लोन ले, ले लिया मान लीजिए किसी से सरकार अपनी लाइबिलिटी में शो कर देगी बेसिकली ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी कैपिटल पेमेंट्स तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट मतलब वो सारे आपके बेसिकली ट्रांजेक्शन्स सरकार के ट्रांजेक्शन जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पर फर्क डालते हैं ठीक है विद ऑफ द वन इन वन ईयर सो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल बजट आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर सो कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज एंड रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द तो सरकार की जो, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है इस चीज़ को देखो ये कैपिटल बजट है इसके दो पार्ट्स हैं कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट अब सरकार को कैसे सर कैपिटल के फॉर्म में जो कैपिटल इन नेचर है सरकार को पैसा कैसे आएगा सरकार को पैसा कैसे आएगा सिंपल सी बात है सरकार को पैसा कब आएगा यहाँ तो सरकार लोन ले ले है ना या सरकार अपने क्या कर दे बेच बेच दे तभी तो सरकार को पैसा आएगा कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार को पैसा आना तो बेसिकली देखिए फिर से बता रहा हूँ जो कैपिटल बजट है उसके दो कॉन्पोनेंट हैं एक तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट तो सरकार को कैपिटल इन नेचर पैसा कैसे आएगा जब सरकार लोन ले लेगी तभी सर किसी दूसरे देश से या किसी पर्टिकुलर एक अलग ही बैंक से आर से कोई बाहर की कंपनी से या कोई बाहर के एक देश से या वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी लोन ले ले अल्टीमेटली सरकार को पे करना है वापस तो वो हमारा क्या है कैपिटल इन नेचर क्योंकि वो क्या होगा हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे फर्क करेगा और दूसरी बात है सरकार को पैसा कैसे आ सकता है कैपिटल इन नेचर में जब सरकार अपने असेट्स बेच देगी तो असेट्स हमारे कम हो जाएंगे लाइबिलि हमारी बैलेंस शीट पर फर्क पड़ेगा ऐसी जो कैपिटल पेमेंट्स है कैपिटल पेमेंट्स क्या होता है देखिए कैपिटल पेमेंट्स होता है आपका कि जो सरकार है वो क्या कर रही है बेसिकली कि कहाँ कि कहाँ सरकार को खर्चे कैसे होंगे जो आपकी बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ेगा सिंपल सी बात है जब लोन सरकार वापस दे देगी तो हमारा जो लोन है प्रीवियस लोन वो ख़त्म हो जाएगा बैलेंस शीट से और सरकार जहाँ कुछ असेट्स ख़रीद ले जब असेट्स खरीदेगी तो सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी है ना देखिए इन दोनों केसेस में सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी तो ये दोनों कैपिटल इन नेचर हैं कैपिटल इन नेचर मतलब है ये जो असेट्स बैलेंस शीट है बैलेंस शीट है जिसमें असेट्स लाइबिलिटी से उसको अफेक्ट करेंगे अब सरकार के ये जो है रिसिप्ट हैं सरकार को रिसिप्ट कैसे मिल सकते हैं या सरकार लोन ले ले या सरकार अपने कुछ असेट्स बेच दे आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं जैसे काइंड ऑफ इफ दे आर बोर्विंग सरकार लोन ले रही है आर बी आई से ले ली या कोई पब्लिक बैंक से ले लिए या हम लोगों से ले लिए या किसी मान लीजिए बाहर से एक लोन ले लिया ठीक है या दूसरा है डिसइनवेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट डिस मतलब अपनी अपनी कंपनीज बेचना अपनी सरकारी कंपनी बेच दी अपने एसेट्स सरकारी कंपनी एसेट्स ही तो है सरकार के वो बेचती है सरकार ने तो उससे जो पैसा है वो कैपिटल रिसिट्ट में जाएगा रेवेन्यू रिसिट्ट में नहीं जाएगा ध्यान रखिएगा अब ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार खर्चे कर रही है मान लीजिए सरकार ने कुछ ज़मीन खरीदी जमीन अब खरी असैट्स है बिल्डिंग खरीदी मशीनरी खरीदी शेयर्स खरीद लिए है ना या फिर सरकार ने क्या लोन पे ऑफ कर दिया जो सरकार का ऑलरेडी सरकार पे लोन चल रहा था सरकार ने पे दिया पे कर दिया तो वो भी हमारा क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा ठीक है सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस ठीक है अब इन्होंने और इसे डीपली पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट देखिए तो मैं सबसे बता तो जो जो मेन कॉन्पोनेंट है मतलब मेन स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है आपका रेवेन्यू बजट फिर आपका कैपिटल बजट अब ये भी दो एक तो डिवाइड दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका रेवेन्यू जो बजट है एक आपका रेवेन्यू रिसिट और आपका रेवेन्यू पेमेंट ठीक है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे ही आपका जो कैपिटल बजट है वो भी आपका दो में डिवाइड है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर या पेमेंट आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर तो ये ये है आपका टोटल आपका दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट अब आप रेवेन्यू रिसिप्ट को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कि रेवेन्यू का सरकार को कहाँ कहां से आती है मतलब डे टू डे जो सरकार की इनकम है वो कहां कहां से होती है तो सबसे पहले है टैक्स से है ना जो टैक्स हम देते हैं है ना सो टैक्स इस कंपलसरी चार्ज टैक्स की डेफिनेशन आ सकती है टू मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स इस कंपलसरी चार्ज या पेमेंट इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल एंड द कॉरपोरेशन कॉर्पोरेशन या कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशन कंपनी हो सकती है कोई संस्था हो सकती है और इंडिविजुअल्स हम लोग तो वो सब तो वो सारी टैक्सेस की जो इनकम है वो भी क्या हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट के अंडर आएगा नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ टैक्सेस ऑन इनकम कि जो मान लीजिए इनकम है इनकम पे टैक्स लगाती है सरकार वो भी कॉरपोरेशन टैक्स देखिए जो हमारी इनकम पे जो टैक्स लगाती है उसे इनकम टैक्स बोला जाता है ठीक है जो सैलरीज पे से बेसिकली लगाती है और एक कॉरपोरेशन टैक्स होता है कॉरपोरेशन टैक्स होता है जो बिजनेस फर्म्स होते हैं जितनी भी कंपनीज होती है वो भी पैसा कमा रही हैं प्रॉफिट कमा रही हैं तो बेसिकली कॉरपोरेट कॉरपोरेशन टैक्स किस इसमें चलता है प्रॉफिट पर लगता है कॉरपोरेशन टैक्स किस पे लगाया जाता है प्रॉफिट पे लगाया जाता है और इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है हमारी सैलरीज पे लगाया जाता है बेसिकली और कस्टम ड्यूटी अगर आपको सामान बाहर से इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेंगी अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी करनी पड़ेगी ये देनी पड़ेगी तो डे टू डे ये भी आपके क्या है बेसिकली सरकार की इनकम है फिर ऐसी सेंट्रल यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हैं सर्विस टैक्स है तो इसे दो तीन याद कर लीजिएगा जी बहुत फेमस है तो जी एस ज़रूर याद कर सकते हैं आप ठीक है अब आपके एक, अब जो रिसिप्ट हैं देखिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट भी आपकी क्या है एक तो टैक्सेस की हो गई एक आपकी हो गई नॉन टैक्सेस हो गई ठीक है मैं आपको पूरा एक बार चार्ट फिर से समझा देता हूँ देखिए ये हमारा गवर्नमेंट बजट था ये किसी दो पार्ट्स में डिवाइड था आपका एक तो रेवेन्यू बजट फिर आपका कैपिटल बजट ध्यान से देखिएगा इसके बाद आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल देखिए कैपिटल अस लिख रहा हूँ मैं कैपिटल बेसिकली एक्सपेंडिचर अब हमने क्या इसके भी दो टाइप्स और पढ़ लिए कि एक तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार के जो डे टू डे इनकम है वो आपको टैक्सेस से हो सकती है ना और एक आपका नॉन टैक्सेस से भी हो सकती है अब ये पढ़ेंगे टैक्सेस भी दो तरह के होते हैं एक डायरेक्ट टैक्स होता है एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है है ना जीएसटी हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स क्या हो गया हमारा बेसिकली डायरेक्ट टैक्स हो गया अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्सेस तो इसमें टैक्सेस आप कुछ तीन चार तरह के टैक्सेस याद रख सकते हैं अब नॉन ये पढ़ेंगे ठीक है तो आपको पूरा हैरार समझ में आ रही होगी इस चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं तो अब नॉन टैक्सेस क्या हो गए नॉन टैक्सेस रिसिप्ट क्या हो गए नॉन टैक्सेस आपके हो गए इंटरेस्ट पेमेंट सॉरी इंटरेस्ट रिसीप्ट्स मान लीजिए सरकार ने लोन दिया था उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ेगा तो वो सरकार का क्या है इंटरेस्ट पेमेंट्स है इंटरेस्ट रिसीप्ट है ठीक है उससे देखिए एक लोन लेना वो कैपिटल नेचर है लेकिन जो इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारा रेवेन्यू में जाएगा भले सरकार दे या भले सरकार को मिले वो हमारा रेवेन्यू में कैटेगराइज होगा लेकिन अगर सरकार लोन मतलब ले रही है जो लोन का अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होगा हमारा कैपिटल इन नेचर में जाएगा लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट है भले देनी हो भले लेनी हो वो हमारा रेवेन्यू इसमें जाएगा आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस ठीक है ठीक है तो और दूसरा क्या है आपका डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट जो सरकार को डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट्स मिलता है ठीक है सरकार के पास क्या है अपने शेयर्स हैं ओके okay, सरकार क्या कहते हैं शेयर्स हैं अलग अलग कंपनीज में सरकार की अपनी कंपनीज है उससे प्रॉफिट हो रहा है जैसे बी एयर इंडिया खैर एयर इंडिया तो बिकने पे आ गई है बहुत बुरा हाल है सो so, बट इनसे ऐसी कई कंपनीस है जिससे सरकार को प्रॉफिट होता है तो वो भी सरकार का डे टू डे आपका इनकम है या रेवेन्यू रिसीट्स है ऐसी रेवेन्यू ऐसी रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज अब सरकार कुछ आपको सर्विस सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको मतलब जो है आपका डी डी वन हो गया दूरदर्शन हो गया आपका ट्रांसपोर्ट हो गया आपका टूरिज्म हो गया जो जितनी भी टिकट्स आपको देनी पड़ती है लाइसेंस हो गया फ़ी पेनल्टी जितना भी कोर्ट होता है जो आप पे फाइन डालता है है ना कोई आप क्राइम करते हो तो आपको अगर बेल चाहिए तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है वो सारा पैसा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा अब आ जाइए आप कैपिटल रिसिप्ट में तो कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको और देखिए ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैपिटल रिसिट में सरकार को मतलब पैसा आ रहा है तो सरकार को पैसा कैसे आएगा सबसे पहला है कि सर रिकवरी ऑफ द लोन सरकार को रिकवरी हो जाए लोन की ठीक है सरकार को रिकवरी हो जाए लोन की जो सरकार ने दिया था और दूसरी बात है यहाँ सरकार लोन ले ले सरकार लोन ले तभी सरकार की वो भी कैपिटल रिसिप्ट है तीसरी चीज़ है यहाँ सरकार एसेट्स बेचते अपने तो तीन ही चीज आती है मैं ऑलरेडी पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है तो कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें आती हैं एक तो यहाँ रिकवरी ऑफ लोन हो जाए दूसरी बात है यहाँ लोन ले रही हो सरकार तब भी सरकार को पैसा आ रहा है और तीसरी बात है यहाँ कुछ असेट्स या कंपनी सरकार जो प्लांट मशीनरी जमीन अगर सरकार बेच दे तो वो भी इससे भी सरकार को बेसिकली पैसा आएगा जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बोल दिया रिकवरी ऑफ द लोन सरकार को कोई सरकार ने पैसा दिया होगा एडवांसेज दिए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू द स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है वो यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट भी हो सकता है फॉरन गवर्नमेंट भी हो सकता है पब्लिक सेक्टर एंटरपाइज सरकारी कंपनी भी हो सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कॉपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं तो वो सारा पैसा जब सरकार को वापस मिल जाए है ना और दूसरा है हमारा मार्केट लोन्स मार्केट लोन्स का क्या मतलब है कि सरकार क्या करती है जब आपका बेसिकली लोन लेती है मतलब सरकार जब लोन लेती है वो भी सर क्या आएगा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा ध्यान रखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा लेकिन ध्यान रखिए अगर इसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है अगर ब्याज आ रहा है सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है बेसिकली तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा है ना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा किस में रहेगा कैपिटल में रहेगा ऐसी स्पेशल डिपॉजिट्स होते हैं जितने भी आपका पीएफ का पैसा हो गया वो सारा भी आपका क्या है बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है स्मॉल सेविंग्स हो गई प्रोविडेंट फंड्स हो गए एक्सटर्नल तो मैं ज़्यादा रीड करेंगे अब दो तीन तीन चीज़ें आप याद में रखिएगा क्लियर हुई मेरी बात ठीक है तो ये बहुत टेबल बहुत अच्छा देखिए इसमें क्लियर एक्सपे एक्सप्लेन कर रखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी आपकी ये चीज़ें हैं आपकी पर्सनल टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कस्टम ड्यूटी ये सारी हैं और कैपिटल रिसिट्स क्या है सरकार को बेसिकली कैपिटल इन नेचर जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है रिकवरी ऑफ द लोन या मार्केट लोन जैसे सरकार लोन ले रही हो स्पेशल डिपोजिट स्मॉल डिसइनवेस्टमेंट प्रोसीड्स ठीक है देन मतलब दि, मतलब डिस दि, दि, इन्वेस्टर मतलब अपने एसेट्स को बेचना है ना देन प्रोविडेंट फम एक्सटर्नल असिस्टेंट वो सारा भी एक्सटर्नल असिस्टेंस मान लो कि कोई जापान के पीएम आए उन्होंने दस टेन लाख डॉलर दे दिया कि आप आप यूनिवर्सिटी खोल लीजिए मतलब पैसा दे दिया कि चलो कोई बात नहीं आप खोल लीजिए वो भी किस में आएगा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा क्योंकि वो एक या दो रुपए नहीं है दैट इज अ इट इज डे टू डे है नहीं कि रोज़ थोड़ी आ रहे हैं वो कभी कभी होता है सो दैट कम्स अंडर द कैपिटल ए रिसिप्ट ठीक है अब आ जाइए आप सरकारी खर्चे तो हो गए कैपिटल रिसिप्ट अब हम पढ़ेंगे द the, the basically स्टडी द बेसिकली नावेबल स्टडी ये देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए होता क्या है जो बजट है ना वो कई बार बैलेंस होता है और ज़्यादातर बहुत कम चांसेस है बैलेंस होगा अब बैलेंस कब होगा मतलब जितने भी आपके खर्चे हैं मतलब जितने भी आपके खर्चे हैं मतलब एक्सपेंडिचर हैं वो किसके बराबर हो जाए आपके रिसिव्ट के बराबर मतलब जितना भी सरकार को पैसा आ रहा है अगर वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाते तो बैलेंस है मतलब सरकार को जितना भी पैसा है सरकार ने लगा दिया तो दोनों इक्वल हो गए मान लो मतलब पाँच लाख करोड़ सरकार को मिले थे और पाँच लाख करोड़ सरकार ने लगा दिए तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड बजट लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है एक्चुअली में नाइन्टी ये होता है कि हमारे जो रेवेन्यू से ज़्यादा क्या होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू से क्या होता है ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है ठीक है और रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से इसके चांसेस बहुत कम है इंडिया में हमारा नाइन्टी परसेंट क्या होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है मतलब खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू हमारा कम है ठीक है इसे पूरा कैसे करेगी वो हम खैर अलग चैप्टर में बात करेंगे इसको पूरा कैसे करेगी जब रेवेन्यू कम है सरकार ने ज़्यादा कैसे खर्च कर दिए फिर लोन लेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग देगी वो अलग चीज़ें हैं वो अलग टॉपिक है खैर आप ये समझिए कि जो बजट है वो तीन कंडीशन हो सकती हैं ठीक है यहाँ तो बैलेंस होगा मतलब जितना भी आपका टोटल आपका रेवेन्यू इक्वल टू टोटल आपका क्या हो जाए एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए ठीक है और आपका जो डेफिसिट बजट क्या देखो डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू कम हो आपके टोटल एक्सपेंडिचर से उसे क्या बोलते हैं डेफिसिट बजट और आपका सरप्लस बजट क्या होता है जब टोटल रेवेन्यू आपका ज़्यादा हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर से कहने के मतलब है कि आपका बेसिकली कमाई ज़्यादा है खर्चे कम है तो इसके चांसेस होने के हमारे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत कम होता है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट हमारा यही होता है बैलेंस तो देखिए होने का कोई मतलब ही नहीं होता ऐसा हो नहीं सकता आप अपने फैमिली में आप भी सोच लीजिए आप अगर दस रुपये सोच रहे हैं खर्च करने के लिए तो कई बार क्या होता है वो दस रुपये आपके होते भी नहीं है यहाँ बच जाते हैं आप खो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं टेन रुपीज़ की बात कर जाऊ फैमिली अगर बजट बनाइए पचास हजार का चालीस हजार का दस हज़ार का उतना कई बार नहीं होता कई बार आपको उधार लेना पड़ता है या कई बार बच जाते हैं तो बेसिकली बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है कंट्री के लेवल पे तो नाइनटी नाइन आपको डेफिसिटी देखने को मिलेगा आई होप अब वेरी वेरी क्लियर विद दिस ठीक है तो मैं जैसे ये ऑलरेडी एक्सप्ल एक्सप्लेन कर दिया कि जो बैलेंस्ड होता है रिसीट्स इक्वल टू तो आपका एक्सपेंडिचर डेफिसिट में और तो और सरप्लस में क्या होगा रिसिप्ट ज्यादा होगा तो बेसिकली आपका ये आ, या आपको याद रखना है कि जो आपके व्हाट इज बैलेंस बजट अभी टू मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज बैलेंस बजट तो सिंपल लिखोगे कि व्हेन रिसीट्स इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड बजट ओके एंड वैन द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल द डेफिसिट बजट एंड वैन द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज हाइयर देन द एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल द सरप्लस बजट तो आपकी तीन डेफिनेशन हो गई टू टू मार्क्स ईच की ओके सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस ठीक है तो आप ऐसे बैलेंस्ड बजट पढ़ सकते हैं ओके देन यू कैन स्टडी द अदर टू ऑल्सो ओके अब सरकार क्या करती है इसके भी बेटा कुछ मेजर्स होते हैं ठीक है इसके भी कुछ मेजर्स होते हैं वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट ठीक है व्यस्ट मिनट अब टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट अब हम पढ़ेंगे मेन फोकस करेंगे बजट डेफिसिट के क्योंकि इंडिया में यही ज़्यादा होता है बजट डेफिसिट ही होता है अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं वेरी सिंपल दैट इज़ वेरी सिंपल ओके क्या क्या टाइप्स होते हैं आप, आपको बता देता हूँ ये टाइप्स होते हैं या तो वो जो बजट है डेफिसिट बजट डेफिसिट मतलब जब आपके खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं और आपके जो सोर्सेस हैं वो कम हैं बेसिकली जो रिसिप्ट है जो आपकी रेवेन्यू है आप कैसे तो रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर से कम है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू के तो ये तीन तरह के हो सकते हैं डेफिसिट जो डेफिसिट है गवर्नमेंट तीन एक तो रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है एक फिजिकल डेफिसिट हो सकता है एक प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है अब मैं आपको तीनों बता रहा हूँ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है जब आपका रेवेन्यू बजट में आपका क्या होता है डेफिसिट होता है मतलब जितने भी डे टू डे सरकार के खर्चे हैं और जितने भी डे टू डे इनकम है इसमें अनइवन होता है अनइवन कैसे डेफिसिट मतलब जितने भी डे टू डे सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स हैं और डे टू डे सरकार के खर्चे हैं तो बेसिकली जब डे टू डे सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू बजट अंडर विच द रेवेन्यू रिसिप्ट आपके इज लेस देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर तो बेसिकली ये सिंपल सी बात है आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट आपका दैट आपका डेफिसिट निकल के आ जाएगा ओके okay. आप एक एग्जाम्पल भी देखें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ठीक है ओके अब इसका इम्प्लीकेशन क्या ये टू मार्क्स के लिए इंप्लीकेशन आ सकता है कि वट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू बजट रेवेन्यू बजट होने का क्या मतलब है देखिए रेवेन्यू बजट इंडिकेट्स कर रहा है गवर्नमेंट की करंट फाइनेंशियल स्टेटस सो रेवेन्यू बजट मींस डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट इट शोज दट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स करंट इनकम तो बेसिकली इसे यहाँ से याद याद रखेगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है भैया रेवेन्यू डेफिसिट होने का क्या मतलब है कि सरकार क्या हुआ है सरकार खर्चे बहुत कर रही है ठीक है और ये है करंट फाइनेंशियल स्टेटस जो है शो करता है सरकार का इतना याद रखिए बहुत है आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बाद है आपका फिजिकल डेफिसिट देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है फिजिकल मैंने ऑलरेडी बताया था पूरे साल में जितना भी होता है जितना भी सरकार के खर्चे हुए जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी पैसा भले वो रेवेन्यू से आए कैपिटल से आए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपका बेसिकली सो टोटल रिसिप्ट में क्या हो गया आपका आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ गई कैपिटल रिसिप्ट भी आ गई बेसिकली मतलब सरकार का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जितना भी सरकार को आया पैसा वो माइनस कर देंगे देखिए ये टोटल पैसा है जितना सरकार को आया इसमें बॉरविंग्स आप रिड्यूस कर देंगे है ना बॉरविंग्स रिड्यूस कर देंगे अगर बॉविंग्स आपने इंक्लूड कर ली तो डेफिसिट होगा ही नहीं है ना अगर बॉरविंग्स क्यों करती है सरकार बॉरविंग्स अपना जो खर्चे पूरे करने के लिए करती है तो अगर इसमें बॉरविंग्स आपने इंक्लूड कर दी तो डेफिसिट फिर होगा ही नहीं फिर बैलेंस हो जाएगा ना इसलिए हम बॉर्विंग्स रिड्यूस कर देते हैं कि जो सरकार ने पैसा लिया है अपना इसको पूरा करने के लिए डेफिसिट वो इंक्लूड नहीं करेंगे बेसिकली तभी इसको बॉर्विंग हटा दी गई है तो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव माइनस बेसिकली इसे टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं सॉरी टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं तो so, बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट है आपका दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू तो जो आपका आ जाएगा दैट इज़ अ फिजिकल डेफिसिट ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अब आ जाइए अब इसके इंप्लिकेशंस क्या है ये क्या कर रहा है ये आपका की इंडिकेटर है शो करता है बजटरी डेफिसिट ये पूरा बजटरी डेफिसिट शो करता है एंड इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मेजर और ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है पूरा आपका जो इम्बैलेंस है इकोनॉमी में शो करता है टोटल रिसोर्स कैप बताता है ठीक है और इसमें बेसिकली हम जो है बोरविंग्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कि जो सरकार इसे पूरा करने के लिए फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए करती है वो रिड्यूस हटा देते हैं तो बेसिकली हमारे जो पूरी कंडीशनस हैं टोटल बॉरविंग्स दिखाता है सरकार की है ना कि जितने भी सरकार के मार्केट लोन्स है पब्लिक बॉरविंग्स है वो सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर करता है एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी और ध्यान रखिएगा इकॉनॉमी के लिए सही नहीं है ठीक है ओके मीन मीन सरकार का ये बर्डन बहुत ज़्यादा शो कर रहा है सी हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स द वेस्टफुल एंड अननेसरी इसका मतलब है अगर बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट है तो आपका सरकार के जो वेस्टफुल है और आपके अननेसेसरी सरकार जो है खर्चे हैं वो शो कर रहा है और इससे जो है इन्फ्लेशन होने की चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अंडर द फिजिकल डेफिसिट अब लास्ट है आपका जो डेफिसिट है वो तीन तरह का जो हमें ऑलरेडी पढ़ लिया पहला क्या था रेवेन्यू डेफिसिट दूसरा फिजिकल डेफिसिट और तीसरा आपका प्राइमरी डेफिसिट अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सिंपल सी बात है आपको मैं मेथड समझा देता हूँ जब आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं मेरी बात कहने की समझ में आई कि मतलब जितना आपका इस साल का जो बकाया है उसमें से देखो ऐसा होता है ना मान लोजिए दो हज़ार और इक्कीस चल रहा है है ना मान लीजिए इसमें फिजिकल डेफिसिट है आपका हंड्रेड करोड़ मतलब आपका जितना टोटल खर्चा है वो ज़्यादा है आपके जितने रेवेन्यू से मतलब आपके जो खर्चे हैं वो सौ करोड़ ज़्यादा है आपके इनकम से बेसिकली ठीक है टोटल बजट में है ना तो हंड्रेड करोड़ है अब इस हंड्रेड करोड़ में आपने एक चीज़ देखी कि भैया जो हमने दस साल पहले लोन लिया था दो साल पहले लोन लिया था उसकी इंटरेस्ट भी तो जा रहा है है ना उसका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट ही मान लीजिए एट्टी करोड़ है मान लीजिए एट्टी करोड़ उसका इंटरेस्ट है तो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट जो इस साल का डेफिसिट है वो तो सिर्फ ट्वेंटी करोड़ ही रह गया वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट मैं फिर से बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी एक साल में सौ करोड़ के है हमारा फिजिकल डेफिसिट आया अब भैया फिजिकल डेफिसिट में तो वो पैसा भी इंक्लूड होगा ना क्योंकि जो पिछला हमने मान लीजिए दो, दो, दो अगर हम 2020 और 21 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो 100 करोड़ का जो डेफिसिट आया है इसमें तो पिछले 2000 मान लो जो 11 में 12 में तेरह में चौ में जितने भी सरकार ने जो लोन लिया था उसका ब्याज भी तो जुड़ जुड़ के इसमें हो गया है ना वो माइनस कर दे मान लीजिए वो एट्टी करोड़ है तो बेसिकली आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है मतलब जो इस साल का पर्टिकुलर जो बीस इक्कीस का डेफिसिट आया है वो तो सिर्फ ट्वेंटी करोड़ आया है ओके सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट क्लियर तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सो इन द बजट एस्टिमेट ऑफ सेवन एटीन द प्राइमरी डेफिसिट वॉज शोन एज दिक्सटी फोर थाउजेंड ए सिक्स करोड़ ठीक है बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आपने माइनस कर दिया अब देखिए इंटरेस्ट देखिए इतना फिजिकल डेफिसिट था 2017-18 का लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट पाँच लाख तीस हजार करोड़ थी ये एक्चुअल फिगर है रियल फिगर है दिस इज रियल फिगर मतलब पाँच लाख फाइव लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड जो एट फोर्टी नाइन करोड़ थे हमारा फिजिकल डेफिसिट आया था इस साल का और उसमें से जो आप ये देखिए जो पिछले साल पिछले लोन ले रखे हैं उसका पैसा इतना है तो कितना ज्यादा है तो सिर्फ आपका उस साल का डेफिसिट तो सिर्फ इतना ही है ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो प्राइमरी डेफिसिट आपका जो करंट ईयर का डेफिसिट शो करता है हम क्या करते हैं पिछले साल जो लोन लिए हैं सरकार ने उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो इंटरेस्ट सरकार ने दिए हैं वो माइनस कर देते हैं तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ये आपका सिलेबस में नहीं है तो हमने चैप्टर कवर कर लिया है दो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बता दिए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर आपको ईच एंड एवरी थिंग क्लियर हो गया होगा आप इससे आप क्वेश्चन खुद भी फ्रेम कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट इसके इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपका दो होता है रेवेन्यू बजट दैन कैपिटल बजट इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर इसे डे टू डे आप आप समझिए डे टू डे आपका रेवेन्यू बजट क्या डे टू डे इनकम डे टू डे एक्सपेंसेस इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं टैक्स और नॉन टैक्स ठीक है इसके अंडर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है कि जो सरकार जो ऑलरेडी आपको बत, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सरकार के जो डे टू डे सरकार जहाँ जहाँ खर्च करती है वो सारे आप सोर्सेस याद कर सकते हैं ऐसी कैपिटल एक्सपेंड कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल पेमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट कब होंगे कैपिटल सर मतलब कैपिटल इन नेचर सरकार को पैसा कब आएगा कि जब सरकार क्या करेगी सरकार लोन लेगी या सरकार की रिकवरी होगी या सरकार क्या करेगी असैट्स बेचेगी है ना और कैपिटल पेमेंट सरकार पेमेंट कर रही है तो वो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल इन नेचर है कि जब सरकार लोन दे रही है तब भी पेमेंट कर रही है सरकार जब लोन सरकार क्या कर रही है बेसिकली और जब असेट्स अपने बेच रही है सॉरी एसेट्स खरीद रही है सॉरी सॉरी कि जब कैपिटल पेमेंट्स में क्या आएगा आपका कि जब सरकार लोन प्रोवाइड कर रही है एडवांस कर रही है किसी को तब भी पेमेंट कर रही है और दूसरी बात है जब सरकार क्या कर रही है असेट्स खरीद रही है इसमें कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा आप जब असेट्स खरी आपका पर आप, आप बेचेगी देखिए सरकार जब बेचेगी तो सरकार को रेवेन्यू होगा सो दैट्स कम्स अंडर द कैपिटल रेवेन्यू और जब सरकार खरीदेगी दैट कम्स अंडर द कैपिटल पेमेंट्स और जब लोन सरकार को मिलेंगे वापस ठीक है तो क्या होगा वो कैपिटल रिसिप्ट है और जब सरकार लोन एडवांस करेगी लोन किसी को देगी सो दैट इज ऑल्सो दैपि दैट कम्स अंडर द कैपिटल पेमेंट्स सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस चैप्टर फिर हमने भैया बजट जो वो पढ़ लिया कि तीन तरह के बजट होते हैं एक बैलेंस्ड बजट होता है एक आपका डेफिसिट बजट होता है और एक आपका सरप्लस तो सरप्लस तो होता ही नहीं है बैलेंस हो नहीं सकता तो मेन हमारा डेफिसिट है और हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट यही होता है हर साल तो इसको हम तीन तरह के डेफिसिट होते हैं तीन तरह के डेफिसिट है एक आपका रेवेन्यू डेफिसिट एक आपका कैपिटल डेफिसिट और एक आपका आपका बेसिकली यह है आपका फिजिकल डेफिसिट ठीक है एक आपका रेवेन्यू डेफिसिट एक आपका फिजिकल डेफिसिट ठीक है एंड वन इज योर प्राइमरी डेफिसिट तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका सिंपल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और फिजिकल डेफिसिट में मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इसमें रेवेन्यू आपके रेवेन्यू भी आ जाएंगे कैपिटल नेचर दोनों आ जाएंगे जो भी सरकार बेसिकली सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू और आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ओके माइनस इंटरेस्ट पेमेंट सो दैट इज़ आ प्राइमरी डेफिसिट सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि आई एस सी ऑसवाल की जो है बुक्स हैं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो आ चुकी हैं जिसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्लीज़ गो थ्रू इट विल डेफिनेटिटीटी गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्ज़ामिशन थैंक यू गॉड ब्लेस यू टेक केयर